Hello everyone, my name is Salit and today I came up with another set of 50 questions of computers for JKSSB examinations. In the first part, I have already discussed 50 questions and in this part, I am going to discuss another set of 50 questions. So let's begin with the 51st question. Question number 51 is, in dash dash way, we can see only the text of the slides in the presentation. ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें सिर्फ हम टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में? तो हमारे पास कई तरह के व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में, बिकॉज दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द पावर पॉइंट. तो पावर पॉइंट में हमें कई तरह के व्यूज होते हैं जिसमें आप यूजुअली चार तो ऑप्शंस में देख सकते हैं. इसमें नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, आउटलाइन व्यू है, या स्लाइड सॉर्टर व्यू है. तो नॉर्मल व्यू जो होता है यूजुअली इसमें इसको हम कहते हैं एडिटर्स व्यू, जिसमें हम डिफरेंट स्लाइड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हैं, उनको एनिमेशन देते हैं या उनमें इफेक्ट्स देते हैं. सो जो भी एडिटर्स व्यू होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू. दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू जो होता है ये बेसिकली होता है ऑडियंस व्यू. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू प्ले द प्रेजेंटेशन देन वी हैव टू यूज द स्लाइड शो व्यू. दिस विल कवर द फुल स्क्रीन ऑफ योर डिस्प्ले. सो जब भी आपको एक पूरी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करनी होती है तब हम हमेशा स्लाइड शो व्यू का यूज करते हैं, जब हमें ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखानी होती है. तो थर्ड जो होता है दैट्स कॉल्ड आउटलाइन व्यू. सो आउटलाइन व्यू जब आप करते हैं सो इसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स डिस्प्ले हो जाता है और इसमें कोई चीज डिस्प्ले नहीं होती है. तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज आउटलाइन व्यू. इसी तरह से जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो हमारे पास होता है, जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्लाइड्स को रीअरेंज करना होगा, जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना होगा, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं. इसमें मल्टीपल स्लाइड्स एट अ टाइम डिस्प्ले हो जाते हैं और इनका ऑर्डर जो है, आप फॉर एग्जांपल स्लाइड टू को स्लाइड फोर की पोजीशन पे लाना चाहते हैं, स्लाइड फोर को स्लाइड टू की पोजीशन पे लाना चाहते हैं, तो आप इजिली इनकी सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू. सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द आउटलाइन व्यू. इसका जो सही आंसर है दैट इज आउटलाइन व्यू, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 52 इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. द क्वेश्चन इज डैश डैश फंक्शन इन एक्सेल विल रिटर्न द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी. सो ऐसा कौन सा फंक्शन है एक्सेल में जो रिटर्न करेगा आपको नंबर ऑफ द सेल्स इन द रेंज जो हमारे पास एम्प्टी नहीं होंगे, जो सेल्स एम्प्टी नहीं होंगे उनका काउंट निकालने के लिए ऐसा कौन सी फंक्शन हम एक्सेल में यूज करते हैं. क्लियर? तो यूजुअली हमारे पास दो फंक्शंस, यूजुअली हमारे पास काउंटिंग के लिए तीन फंक्शंस यूज होते हैं. आपने ऑप्शंस में देखा ही है, ऑप्शंस में आप देख ही सकते हैं काउंट इफ है, काउंट है या काउंट इफ फंक्शन है. सम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज फॉर समेशन. क्लियर? तो यहाँ पे काउंट इफ जो होता है ये तब काउंट करता है जब आपको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू रिट्रीव द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स हूज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5. सो हूज वैल्यूज का मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन है. सो जहां पे भी कंडीशन का यूज होता है वहां पे हम काउंट इफ का यूज करते हैं. क्लियर? दूसरी फंक्शन जो यहाँ पे है दैट इज काउंट. काउंट जो है इट ओनली काउंट्स द नंबर ऑफ द सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन्स ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज. काउंट फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ उन सेल्स का काउंट चाहिए जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे. क्लियर? सो न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब अगर किसी सेल में कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू होगा या कोई और वैल्यू होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, उसका जो काउंट है वो एड नहीं होगा काउंट में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 सेल्स है और 10 सेल्स में आपके पास 9 सेल्स में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है और एक सेल में आपने कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू रखा है और आप काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं. तो जब आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट एज 9 ओनली, क्योंकि
काउंट जो है ये उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, जिनमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज होगा वो कंसिडर नहीं किया जाता है। सो काउंट में आप सिर्फ 9 देखोगे, ठीक है, जो 10th जिसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। सम जो है इसमें तो समेशन जनरेट हो जाएगा, लेकिन काउंट ए जो है हमारे पास ये एक ऐसी फंक्शन है जो सारे सेल्स को काउंट करेगा, दैट मीन चाहे उन सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज हो चाहे उन सेल्स में कोई और वैल्यूज हो, ठीक है। तो सारे सेल्स को काउंट करने के लिए जो फंक्शन का हम यूज करते हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं काउंट, उस फंक्शन को हम कहते हैं काउंट ए। सो काउंट ए फंक्शन जो है इसका सही आंसर है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 53, which is which input device is used to convert the bitmap images of characters to equivalent ASCII code. See, basically क्या होता है, जब भी हमारे पास printed documents होते हैं या handwritten documents होते हैं, जब भी हम उनको scan करते हैं उन documents को, वो convert हो जाते हैं in the form of images, means वो हमारे computer में transfer हो जाते हैं usually in the form of इमेजेस, क्लियर। सो अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंटेड नोट है आपके पास, आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और एड करूं या मैं इसमें कुछ डिलीट करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं उस प्रिंटेड नोट को। सो उस प्रिंटेड नोट्स को एडिट या एडिटेबल बनाने के लिए, उसको मॉडिफाइबल बनाने के लिए हमारे पास जो होता है एक स्पेशल इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं OCR रीडर। सो इसका जो सही आंसर है that is OCR reader, that is optical character reader, या optical character recognition भी इसको कहते हैं, या इसको optical character reader भी कहते हैं। So इसका सही आंसर है OCR reader, which converts printed documents, which converts printed images, which converts handwritten documents into its equivalent ASCII code, means into its equivalent text format. So इसको ये text में convert करता है in the form of ASCII code. So सही आंसर जो इसका है that is OCR reader. Now we have question number 54. This is with respect to the Microsoft Word. So the question is, which shortcut key is used to expand or collapse the ribbon in Microsoft Word? ऐसी कौन सी shortcut key हम use करेंगे ribbon को hide, unhide या collapse, expand करने के लिए? तो इसका जो सही answer है that is Control plus F1. So Control plus F1 जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे, इस शॉर्टकट की से हम रिबन को एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL इन DBMS? DBMS आपको पता ही होना चाहिए कि DBMS जो होता है दैट्स कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे पास जो सिलेबस में यूजुअली होता है JKSSB में, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हम कई तरह के लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जिसमें एक DDL होता है, एक DML होता है, ठीक है। तो ये जो DDL होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो DML होता है उसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो व्हेनेवर यू हैव टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जब भी आपको डेटा के स्ट्रक्चर के साथ डील करना होगा, लाइक यू वांट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यू वांट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, तब हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें डेटा की मैनिपुलेशन करनी होती है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंसर्ट द डेटा इन द डेटाबेस, यू वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यू वांट टू मॉडिफाई द डेटा इन द डेटाबेस, सो जब डेटा की मैनिपुलेशन करनी होती है तब हम DML लैंग्वेज का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्लियर। सो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस, क्लियर। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS? OSS जो होता है इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लियर। सो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है which comes along with the source code,
जो सोर्स कोड और इसके साथ एंड यूजर लाइसेंस भी आपको मिलती है, विच कम्स अलॉन्ग विद द सोर्स कोड एंड एंड यूजर लाइसेंस. सो एनीबडी विद द प्रोग्रामिंग स्किल्स, किसी आप में से जिस किसी के पास भी प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगे, वो इसके इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसमें नए फीचर्स ऐड कर सकता है, इस सॉफ्टवेयर को रीड करके इसमें नए फीचर्स ऐड कर सकता है, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ओपन सोर्स, जिसका सोर्स कोड जो है वो ओपन होता है हर किसी के लिए. जो भी उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता है वो इसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. जो लेकिन इसका एक्चुअल कोड होता है उसको आप यूजली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है. आप इसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच कम्स अलॉन्ग विद द सोर्स कोड एंड एंड यूजर्स लाइसेंस, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द वर्कबुक इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक क्लोज कर सकते हैं, क्लियर. सो दिस इज ऑल्ट एंड डब्ल्यू, दिस इज ऑल्ट एंड डब्ल्यू. सो जब आप ऑल्ट डब्ल्यू करोगे प्रेस, सो इससे आपकी जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रजिस्टर्स, तो विच रजिस्टर holds the information on its way to and from memory. ऐसी कौन सी register है हमारे पास जो information को hold करके रखती है on its way to and from memory? क्योंकि जब भी CPU को data चाहिए होता है वो memory से ही data retrieve कर लेता है, लेकिन जब memory से data retrieve हो जाता है ये पहले किसी location पे store रहता है in the CPU. तो CPU में अपने कुछ memory units होते हैं जिनको हम registers कहते हैं. इसी में एक रजिस्टर होता है जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है या जो भी सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले वो उस लोकेशन पे टेम्परेली स्टोर रहती है और उस लोकेशन को हम कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर. उसको कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, उसको कहते हैं हम, क्लियर. सो द करेक्ट आंसर इज मेमोरी बफर रजिस्टर, या इसको MBR कहते हैं शॉर्ट में, मेमोरी बफर रजिस्टर, क्लियर. So, आप नीचे ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर. ये भी हमारे पास रजिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन इनका काम जो होता है अलग अलग काम होता है. जैसे एक्यूमुलेटर जो है इसका काम होता है टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या टू स्टोर द फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है. जो भी सीपीयू फाइनल रिजल्ट जनरेट करता है या इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट करता है उसको होल्ड करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज होता है. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम होता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना होता है उसका जो एड्रेस होता है, उसकी जो लोकेशन होती है, उसका एड्रेस जो है वो स्टोर रहता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे. और प्रोग्राम काउंटर जो होता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. मीन्स जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस जो है पहले ही प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है. इसको शॉर्ट में PCB कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर. सो दिस प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली कीप्स द ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. मीन्स आपके इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं इनसाइड द सिस्टम, उसका एक पूरा ट्रैक जो है वो प्रोग्राम काउंटर रखता है, क्लियर. नेक्स्ट जो है वो है 59, दिस इज अगेन विद रेस्पेक्ट टू द रजिस्टर्स. सो विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड दस कीप्स द ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो इसका आंसर मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया, एंड दैट इज द प्रोग्राम काउंटर. सो इट्स द प्रोग्राम काउंटर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड विच कीप्स द ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोग्राम काउंटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 60, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स विच डेटा ट्रांसमिशन मोड. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स. वन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, वन इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, वन इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, तो कीबोर्ड के थ्रू हम खाली डेटा सेंड करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा रिसीव
नहीं करते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर के थ्रू हम डेटा रिसीव करते हैं, प्रिंटर के थ्रू हम डेटा वापस सेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से मॉनिटर के थ्रू डेटा रिट्रीव करते हैं, मॉनिटर के थ्रू डेटा सेंड नहीं कर सकते। जब कम्युनिकेशन एक ही साइड से होती है उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है लेकिन ऑल्टरनेटिवली होती है। मीन जब एक अपनी बात खत्म करेगा उसके बाद ही वो रेस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद ही वो एक्नॉलेज करेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास है वॉकी टॉकी सिस्टम्स, जिसमें पहले यहां से कोई बात होती है, उसके बाद जब रिसीवर तक वो बात पहुंचते उसके बाद ही वो रेस्पॉन्ड कर लेता है वापस। इसी तरह से आपके पास फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स में भी कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है, डेटा दोनों साइड से ट्रांसमिट होता है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली नहीं होता, यहाँ पे साइमल्टेनियसली होता है। हाफ डुप्लेक्स में ऑल्टरनेटिवली डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन फुल डुप्लेक्स में आपके पास डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होता है। क्लियर? दोनों साइड से। क्लियर? तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग होती है या टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें दोनों तरफ से एट अ टाइम आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, जो आपके पास नीचे जो फिगर दी हुई है, इसका जो अगर आप देखोगे सेंडर से ये जो एरो यहाँ पे डिपेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स सेंडर खाली सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है खाली रिसीव कर रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एक ही साइड से हो रही है। सो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, दैट मीन्स दिस इज अ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों साइड से नहीं होती है, सिर्फ एक ही साइड से होती है। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 61 एंड विच इज डैश डैश इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। So, हमारे पास जो एनक्रिप्शन का मैकेनिज्म होता है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यूजुअली, जिन प्रोटोकॉल से हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल से हम क्या करते हैं, हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं या हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन आपने यूजुअली नोट किया होगा किसी वेबसाइट के सामने लिखा होता है HTTPS, तो S का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर। सो दैट मीन्स HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सिक्योर का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम SSL सर्टिफिकेट का यूज करते हैं फॉर एनक्रिप्शन। सो दैट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है या वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीव होता है। क्लियर? सो बीच में ये एनक्रिप्शन का मैकेनिज्म जो होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, उस एनक्रिप्शन मैकेनिज्म को हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। उसको कहते हैं SSL सर्टिफिकेट, उसको हम SSL सर्टिफिकेट कहते हैं। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। क्लियर? सो इससे आपको पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल नहीं है। क्लियर? सो दिस इज SSL सर्टिफिकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 इज डैश डैश इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ डैश डैश इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज्ड द फैसिलिटीज ऑफ द PSTN दैट इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। ऐसा कौन सा इंटरनेट एक्सेस है, ऐसी कौन सी इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटी है जिसमें हम पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क का यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। सो यहाँ पे जो एस्टैब्लिश कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसमें हम सीधे पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायल अप कनेक्शन, दैट्स कॉल्ड अ डायल अप कनेक्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, That is the dial-up connection, जहां पे हम कोई नंबर डायल करते हैं और आप जो है इंटरनेट एक्सेस उसके बाद ही एक्सेस कर पाते हैं। आजकल हमारे पास और भी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन ये पहले पहले हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक इन MS Word? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए जो शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं, उस शॉर्टकट की को कहते हैं F7।
उसको कहते हैं F7। तो F7 शॉर्टकट की हम यूज करते हैं स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट में स्पेल मिस्टेक होती है, उसके नीचे आपको रेड लाइन आती है, वो रेड कलर से अंडरलाइन होती है, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आती है। सो ग्रीन कलर से आपको पता चलता है कि मेरे इस टेक्स्ट में जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और रेड कलर से आपको पता चलता है कि मेरे इस टेक्स्ट में जो है वो स्पेल मिस्टेक। क्लियर? तो स्पेल और ग्रामर चेक के लिए जो शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो है F7। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। This is with respect to the flowchart. This symbol given below is used for dash dash in the flowchart. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं डायमंड जैसा, क्लियर, ये सिंबल हम यूज करते हैं फॉर डिसीजन या फॉर कंडीशन। जहां पे हमें कंडीशन होती है या जहां पे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन, जहां पे हमें कोई डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन, तो वहां पे जो हम सिंबल का यूज करते हैं फ्लो चार्ट में, दैट इज दिस टाइप ऑफ सिंबल, डिसीजन सिंबल। क्वेश्चन नंबर 65। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेटा ट्रांसफर की बात आती है, सो दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 66। डैश डैश अटैक फ्लड्स द विक्टिम रिसोर्स विथ ट्रैफिक मेकिंग रिसोर्स अनअवेलेबल। सो ऐसा कौन सा अटैक है, ऐसा कौन सा साइबर अटैक है जिससे हम विक्टिम के रिसोर्स को ट्रैफिक उसमें फ्लड करते हैं विथ ट्रैफिक, मीन्स हम उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैकेट्स सेंड कर देते हैं जिससे वो कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन वो रिसोर्स उसको एक्सेसिबल ही नहीं रहता है। इस टाइप ऑफ अटैक को हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इस टाइप ऑफ अटैक को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, दैट्स कॉल्ड डॉस अटैक, दैट्स कॉल्ड डॉस अटैक, दैट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक व्हिच मेक्स द रिसोर्स अनअवेलेबल फॉर द विक्टिम। क्लियर? Now, question number 67 is dash dash is a built-in tool in Windows that allows you to partition the hard disk without rebooting the system. ऐसा कौन सा inbuilt tool है आपके Windows में जिससे आप अपने hard drive की partitioning कर सकते हैं without rebooting the system या without using any bootable CDs or bootable pen drives? तो आप डायरेक्टली विंडोज के थ्रू ही कैसे जो है अपने हार्ड ड्राइव की पार्टिशनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक इनबिल्ट टूल होता है विंडोज में, और उस टूल को हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट, उस टूल को कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्क मैनेजमेंट टूल आप अपने हार्ड ड्राइव की पार्टिशनिंग कर सकते हैं विदाउट बूटिंग द सिस्टम, विदाउट रीबूटिंग योर सिस्टम। Question number 68, with respect to Microsoft Access, relationships can be found under which tab? So relation, in order to create the relations between the various tables, तो हम ये relationships जो हैं, ये आप कहाँ पे देखोगे in Microsoft Access? You will find this option in database tools. You will find this option in database tools. And in database tools, you can create relationships between more than one table so that you can retrieve the data from these tables. Question number 69. Is dash dash is software for hardware? So the software which is mounted on the hardware, yeah, which is inbuilt for in the hardware is actually called a firmware. That's called a firmware. तो फर्मवेयर जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास हार्डवेयर ही होता है ये। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ चिप्स होते हैं, उन चिप्स के ऊपर जो है ऑलरेडी एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करता है, और उन्हीं को हम कहते हैं फर्मवेयर्स। इनका सॉफ्टवेयर हम खुद से इंस्टॉल नहीं करते हैं, इनका सॉफ्टवेयर जो है मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी खुद ही इंस्टॉल
कर लेता है और वो हमेशा के लिए इन पे स्टोर रहता है. सो दैट्स द सॉफ्टवेयर फॉर द हार्डवेयर, दैट्स कॉल्ड अ फर्मवेयर. क्वेश्चन नंबर 70. इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉप डेज का मतलब था कूपन डेज इज अ डैश डैश फंक्शन. सो कूपन जो है दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंस. सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनेंशियल फंक्शन. You will find this COP days function under the financial functions category in the Microsoft Excel. तो Microsoft Excel में जो coupon days function है, आप जो है ये coupon days function आप financial function की category में देखोगे. Clear? Now, dash dash is a mechanism that provides the interface between the process and the operating system. So there is an interface which provides an interface between your process and the operating system, and that interface is called system call. Usko hum kehte hain system call. So jo ek interface provide karti hai between the process and the operating system, that's called a system call. Question number 72. The operation that is used to check whether all the devices are properly connected to the computer or not is called. So, जब भी हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहली जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है टू चेक वेदर ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड प्रॉपरली विद द कंप्यूटर और नॉट, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेशन. दैट्स कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. दैट्स कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो पावर ऑन सेल्फ test operation is used to check whether all the devices are connected properly with the computer or not. Question number 73. Dash dash are the text files with small pieces of data like username, password that are used to identify your computer as you use a computer network. So, kuch text files hamare paas, jab bhi hum kisi website ko access karte hain, there are some information जो web server directly आपके computer पे transfer करता है, कुछ files directly आपके computer पे transfer करता है, जिनमें आपके user IDs या password store रहते हैं, so that next time जब भी आप उस website को access करो, आपकी website जो है, वो quickly access हो जाए, clear? तो उसकी क्योंकि उसकी आधी information already आपके computer के hard drive पे store रहती हैं, तो ऐसे text files जो होते हैं, जहाँ पे ये usernames, passwords वगैरह store रहते हैं, उनको हम कहते हैं, उन files को हम कहते हैं cookies. उन फाइल्स को हम कहते हैं कुकीज. तो कुकीज जो होते हैं, दीज आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर द टेक्स्ट फाइल्स विद स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर एज यूजर कंप्यूटर नेटवर्क. सो जब भी हम इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस करेंगे, तो कुकीज ही ऐसी फाइल्स होती है हमारे पास, जहां पे आपके यूजर नेम्स और पासवर्ड्स स्टोर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. In dash dash list, the last element in the list refers to the first element rather than to a null. ये question basically पूछा गया था medical जो exams हुए हैं last year के, उसमें पूछा गया था ये question. ये basically आपके syllabus में तो नहीं है ये topics, but एक paper में पूछे गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये question मैं आपसे थोड़ा सा discuss कर लूँ. तो ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स जो आप नीचे ऑप्शंस में देख सकते हैं, स्टैक है, क्यू है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, या हमारे पास सर्कुलर लिस्ट है. तो स्टैक जो हमारे पास होता है, दिस कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. क्यू जो होता है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो होता है, ये एक लिस्ट होता है जहां पे लास्ट एलिमेंट रेफर करता है नल को, जहां पे लास्ट एलिमेंट जो है वो रेफर करता है नल को. लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ डैश डैश लिस्ट द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट. जो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को वापस रेफर करेगा, क्लियर, मीन्स लास्ट एलिमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में आपके पास लास्ट एलिमेंट है, वो रेफर कर रहा है वापस फर्स्ट एलिमेंट को. फर्स्ट रेफर कर रहा है नेक्स्ट को, नेक्स्ट कर रहा है रेफर कर रहा है नेक्स्ट को, वो नेक्स्ट जो है किसी और नेक्स्ट को रेफर कर रहा है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है वो फिर से फर्स्ट एलिमेंट को रेफर कर रहा है. तो ये सर्कल में चलता रहेगा ये प्रोसेस, क्लियर. सो दैट मीन्स दिस लिस्ट इज कॉल्ड सर्क्यूलर लिस्ट. लेकिन जहां
Now, question number 74 is, in the dash dash list, the last element in the list refers to the first element rather than to null. Clear? So the answer of this 74th question is, answer of the 74th question is circular list. क्योंकि सर्कुलर लिस्ट में ही जो लास्ट एलिमेंट होता है वो रेफर करता है टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. अगर वो नल को रेफर करेगा दैट इज द सिंगली लिंक्ड लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 75. अ डैश डैश इज अ सीक्वेंशियली ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉर एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स इन द लिस्ट. So last in first out principle is basically the principle used in the stack. Uses in the stack. Because stack ko hi hum kehte hain LIFO data structure. That is last in first out data structure. Jahan pe jo last wala element insert hota hai, usi ko sabse pehle hum remove karte hain. Queue jo hamare paas hota hai, queue ko hum kehte hain FIFO data structure. That means first in first out data structure. That means जो element सबसे पहले insert होगा वही सबसे पहले remove होगा. That is with respect to queue. लेकिन stack जो होता है that is last in first out data structure. Question number 76. In Microsoft Excel, which of the following options in page layout menu is used to stretch or shrink your printout? Stretch or shrink your printout to a percentage of its actual size. Clear? So Microsoft Excel में page layout menu के अंदर हम कैसे printout को किसी percentage तक stretch या shrink कर सकते हैं और इस option को हम usually कहते हैं scale. तो scale की वजह से ही हम printout जो हम निकालना चाहते हैं उसको scale कर सकते हैं to 90% to 75% clear या to 100% ये हमारी मर्जी है. Clear? Question number 77. Which of the following options is used to adjust the value in a specified cell until a formula that is dependent on that cell reaches a target value? So, हमारे पास basically एक important option होता है, एक important feature होता है under what if analysis in the Microsoft Excel, and that option is called goal seek. And this is the goal seek option. कि जिसकी वजह से हमारे पास टारगेट वैल्यू पता होता है और हम फॉर्मूला में किसी इनपुट वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं या वो इनपुट वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है इन फॉर्मूला जब हम गोल सी का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 78. डैश डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ टास्क. जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए हमेशा वो होना चाहिए फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट को हम कहते ही हैं दिस इज द ग्राफिकल, दिस इज अ डायग्रामेटिक, दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ टास्क. Question number 79. Seek time. This is with respect to the hard disk. Seek time is basically the time that has been taken by the read-write head to move to the desired track. जब एक hard disk का read-write head जो time लेता है अपनी position से किसी desired position means desired track तक पहुंचने के लिए जो time लेता है एक track से दूसरे track जो desired track होता है वहां तक जो टाइम लेता है रीड राइट हेड उसी को कहते हैं सीक टाइम. और जो टाइम रीड राइट हेड लेता है टू मूव टू द डिजायर्ड सेक्टर, एक तो होता है ट्रैक तक पहुंचने के लिए, दूसरा होता है सेक्टर तक पहुंचने के लिए. ट्रैक तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज सीक टाइम, लेकिन जो सेक्टर तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी, उसको हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी. सो सीक टाइम का जो राइट आंसर है दैट इज द डी पार्ट, दैट इज दिस इज द टाइम टेकन टू मूव द रीड राइट हेड टू द डिजायर्ड ट्रैक, उसको कहते हैं सीक टाइम. अगर डिजायर्ड सेक्टर होता तो इसका आंसर था रोटेशनल लेटेंसी. क्वेश्चन नंबर 80. द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन. जो सुपर कंप्यूटर
की स्पीड होती है इसको हम यूजुअली मेजर करते हैं इन फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन एंड डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसका जो आंसर है मैंने पहले ही आपको दिया हुआ है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब होता है वन वे यूनिडायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि ये कम्युनिकेशन इज डन फ्रॉम बोथ द वेज बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैचिंग है, जो सिंप्लेक्स है उसका है यूनिडायरेक्शनल, सिंप्लेक्स का जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट मींस फर्स्ट का है थ्री, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है आपके जहां पे थ्री थ्री है। उसके बाद सेकंड जो है हाफ डुप्लेक्स, तो लिंक्ड डिवाइस कैनॉट सेंड एंड रिसीव एट अ सेम टाइम, तो सेम टाइम पे सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन है वन, तो उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन वन नहीं है, सो दैट मींस इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, क्लियर। सो पहले का जो है दिस इज यूनिडायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स मींस लिंक डिवाइस कैनॉट सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं सेंड एंड रिसीव। और फुल डुप्लेक्स का मतलब ही होता है कि लिंक डिवाइस जो है वो सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82, डैश डैश रजिस्टर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, क्लियर। तो ऐसा कौन सा रजिस्टर है हमारे पास जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट्स यूजुअली स्टोर रहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि चाहे टेम्परेरी रिजल्ट हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट हो, चाहे कोई एक्चुअल रिजल्ट हो, वो सबसे पहले एक रजिस्टर में स्टोर रहता है और उस रजिस्टर को हम कहते हैं एक्यूमुलेटर, उस रजिस्टर को हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर विच होल्ड्स द टेम्परेरी रिजल्ट्स, विच होल्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और विच होल्ड्स द एक्चुअल रिजल्ट्स टेम्पररीली। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो साइबर क्राइम नहीं है। डिनाइल ऑफ सर्विस जो है दिस इज अ डॉस अटैक, सो जब भी हम किसी कंप्यूटर को अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेट्स या विद द हेल्प ऑफ एनी मीन्स, ठीक है, सो दैट कि उसका कंप्यूटर जो है वह वर्क ना करे या उसके रिसोर्सेज जो है वो माल फंक्शनिंग करे, सो दैट इज कॉल्ड अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सो दिस इज अ साइबर क्राइम। मालवेयर दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, किसी के कंप्यूटर में कोई मालवेयर एंटर करना, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। हैकिंग, किसी के कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना, दैट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना इनटू द साइफर टेक्स्ट, इनटू द कोडेड टेक्स्ट, एंड किसी भी टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को हम साइबर क्राइम नहीं कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनक्रिप्शन, दैट इज एनक्रिप्शन, क्लियर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग साइफर टेक्स्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 84, द टाइम स्लॉट that is given to each process for execution in time sharing systems is called, so jo time slot har ek process ko diya jata hai for execution in time sharing systems is always called time quantum, is called time quantum ya is called time slice, so this is called quantum, iska jo right answer hai that is quantum, quantum is a time which is being shared among all the processes within the time sharing system। ई क्रांति, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सो ई क्रांति का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ई क्रांति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, क्लियर। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द ई गवर्नेंस, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में है। तो हु डेवलप्ड ईनैक, ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय, दिस वॉज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड दिस वॉज डेवलप्ड बाय जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली, जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली।
Dot matrix is an example of an impact printer. Dot matrix is an example of the impact printer. क्योंकि dot matrix जो है वो non impact नहीं होता है, ना ही 3D printer होता है, ना ही laser printer होता है. Dot matrix is an example of the impact printer. Now, question number 87. Which of the following was the first known PC virus? First known PC. अगर first computer virus होता, so it was a creeper virus. But यहाँ पे question है, which of the following was the first known personal computer virus? अगर simple computer virus होता, it was creeper. But first PC virus जो है, it was a boot sector virus. It was a boot sector virus and it was named as brain virus. This was the first virus for personal computers. But the first computer virus is actually creeper virus. But PCs के लिए जो सबसे पहला virus है, that is brain virus. And it was developed by two Pakistani brothers called Amjad Alvi and Basit Alvi. ठीक है? दो पाकिस्तानी brothers ने इसको develop किया है brain virus को. It was a boot sector virus. And it has been developed by two Pakistani brothers called Amjad Alvi and Basit Alvi. Clear? And creeper virus, it was created by Bob Thomas. It was created by Bob Thomas. So, ye virus jo hai creeper basically accidentally create hua hai. Yeah? Aur iske liye later on ek antivirus create kiya gaya jiska naam tha Reaper antivirus. Reaper antivirus. Clear? Question number 88. Which of the following softwares acts as a manager of all computer resources? So, there is no option other than the operating system ही हमारे पास एक ऐसा software है जो हमारे computer के हर एक resource को manage करता है, चाहे वो input output devices हो, चाहे वो memory हो, चाहे वो CPU हो, चाहे वो files हो, ठीक है, चाहे हमारी security का computer की security का मसला है, ठीक है, तो हर एक चीज को manage करता है यही operating system. So that's why this is called manager of all computer resources. Question number 89. This is with respect to Microsoft Word. That is Thesaurus. Thesaurus is the world's largest dictionary. So Thesaurus in MS Word is basically a dictionary. It's a dictionary which contains the synonyms of all the English words. Question number 90 this is the question related to the number system. So what will be the binary equivalent of hexadecimal number A15? Basically, you have to calculate it first. आपको मैंने अपने students को इसके दो तरीके बताए हैं calculate करने के लिए. तो A basically hexadecimal numbers जो होते हैं that is from 0 to 9 and A to F. So A to F का मतलब होता है actually 10 to 15. So क्योंकि हम यहाँ पे 10 15 नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसको रीड करेंगे 1015. सो वी यूजुअली रिप्रेजेंट 10 विथ ए. 10 को हम एक सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए. सिमिलरली 11 इज रिप्रेजेंटेड विथ बी. क्लियर? सिमिलरली 12 इज रिप्रेजेंटेड विथ सी, 13 इज रिप्रेजेंटेड विथ डी, 14 इज रिप्रेजेंटेड विथ ई एंड 15 इज रिप्रेजेंटेड विथ एफ. क्लियर? सो दिस इज फ्रॉम ए टू एफ, दैट इज 10 टू 15. So, इसके हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए. एक ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं क्योंकि हम पहले ही हमारे पास एक रूल होता है कि एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वलेंट टू 4 बाइनरी डिजिट्स. एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वलेंट टू 4 बाइनरी डिजिट्स. So if we have 0 in hexadecimals, so that means 0 का जो बाइनरी वैल्यू होगा that is 0000, के 4 zeros होंगे as binary values. Similarly, जो 1 होता है हमारे पास उसके 4 binary values होते हैं 0001. Clear? So इसी तरह से हमारे पास हर एक hexadecimal digit के 4 binary values होते हैं. So ये जो हमारे पास hexadecimal number है A15, इसके हमारे पास 12 binary values होनी चाहिए. Clear? So अगर हम A की बात करेंगे तो ए का मतलब होता है 10. सो अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये समझे कि ये आपके पास
ए का वैल्यू जो यूजुअली है दैट इज 10, क्लियर, दैट इज 10. सो अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे कॉन्टिन्यूअसली 2 से, सो दैट मीन्स दिस इज 2, 5 और 10. एंड यहाँ पे जो इसका जो बाइनरी वैल्यू आएगा वो है, जो रिमेंडर आएगा दैट इज 0. उसके बाद अगर हम फिर से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे कॉन्टिन्यूअसली, सो दैट इज 2, 2 और 4, एंड इसका जो रिमाइंडर है दैट इज 1. सो इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2, 1 और 2 एंड दिस इज 0, क्लियर. सो इस 10 का जो बाइनरी वैल्यू है दैट इज 1010. वी टेक बाइनरी वैल्यूज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्लियर, इट इज फ्रॉम MSB टू LSB, फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो ए का जो बाइनरी वैल्यू है दैट इज 1010, और 1 का जो बाइनरी वैल्यू है मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज 0 0, चार डिजिट्स होते हैं, दिस इज 0 0 0 and 1, 0 0 0 and 1. और 5 का जो वैल्यू है अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 5 को अगर हम 2 से कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं दिस इज 2, 2 और 4, दिस इज 2, 2 और 4, क्लियर, एंड रिमाइंडर इज 1, क्लियर, एंड दिस इज 2, 1 और 2, दिस इज 2, 1 और 2, दिस इज रिमाइंडर इज 0. अगर हम इसको फर्दर एक स्टेप नीचे जाएंगे तो दिस इज 2, 0 और 0 एंड रिमाइंडर इज 1. सो जो 5 का यूजुअली बाइनरी वैल्यू है दैट इज 0101. सो अब आपके पास चार डिजिट्स है, ए क्या है 1010. तो आप देख सकते हैं 1010 यहाँ पे 2 वैल्यूज है, ठीक है. उसके बाद जो 1 है उसका वैल्यू है 0001. सो 1010001, क्लियर. और उसके बाद 5 का वैल्यू जो है दैट इज 0101. उसके बाद है 0101. सो जो राइट आंसर है दैट इज द सी पार्ट, ठीक है, that is the C part, clear. So this is how you can convert the hexadecimal into binary. This is a procedural method, but हमारे पास एक shortcut method भी है जो इस time मैं usually इसमें नहीं सिखा सकता, ठीक है. उसके लिए एक अलग सा video मैंने बनाया हुआ ही है जो later on sir upload करेंगे खुद से ही. So let's see the next question, that is question number 91. Which of the following is not the function of the operating system? Operating system performs various functions which includes process management, memory management, input-output management, file management, security and command interpretation. Clear? And the word processing is not the function of the operating system. It's a function of the Microsoft Word. It's a function of the Microsoft Word. So the right answer is word processing. Because word processing या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम यूजुअली वैक्यूम ट्यूब्स का ही यूज करते थे. सो जहां पे भी आप वैक्यूम ट्यूब्स देखोगे सो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है. सो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स है एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरीज का यूज होता है इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93. ट्रांजिस्टर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो वैक्यूम ट्यूब्स के बाद यूजुअली ट्रांजिस्टर्स ही आए, ठीक है. तो ट्रांजिस्टर्स आ गए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन कन्वर्ट अ सिग्नल from camera to a series of numbers to be stored in a computer, clear. So har camera mein ya har display device mein ek usually ek device laga hota hai jo usually analog signal ko digital mein convert karta hai, aur that is actually called digitizer. That's called digitizer. The time taken should be the time taken to respond should be least in.
सो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली है जहां पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती है, जहां पे टाइम लिमिटेशंस होते हैं, जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं? दैट मींस यू हैव टू परफॉर्म द टास्क विद इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम. सो जहां पे भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जहां पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती है, जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं. A mechanism used in multi-programming environment in which a CPU switched from one process to another process. So when the CPU switches from one process to another process in a multi-programming environment, the mechanism is called context switching. So context switching ही ऐसा mechanism होता है जब CPU एक process से दूसरे process में switch करता है in multi-programming environment. Question number 97. Which shortcut key in MS Word is used to move the cursor to the beginning of the document? So, अगर आपका cursor जो है वो end of the document है या document के किसी भी location पे है and you want to move the cursor to the beginning of the document, that means you have to use the shortcut key called control home. Called control home. तो कंट्रोल होम से आप बिगिनिंग पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको कर्सर मूव करना है टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट मींस यू हैव टू यूज अ शॉर्टकट की कॉल्ड कंट्रोल प्लस एंड. कॉल्ड कंट्रोल प्लस एंड. क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मिक्सड मोड एड्रेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो हमारे पास तीन तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. वन इज कॉल्ड absolute addressing, one is called relative addressing, and one is called mixed mode addressing. Clear? So, in short, आपको याद रखने के लिए कौन सी addressing scheme जो होती है relative, कौन सी mixed mode होती है, या कौन सी आपके पास absolute addressing होती है. तो short में याद रखने के लिए जो भी dollar के बगैर आपके पास मिलेगा, this is called relative addressing. जो भी dollar के बगैर मिलेगा, that's called relative addressing. जहां पे भी आप ये डॉलर देखोगे, डॉलर यहां पे देखोगे आप, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, बिकॉज एब्सोल्यूट एड्रेसेस आर डिनोटेड बाय द डॉलर साइन. ठीक है, तो इन पे डॉलर साइन जहां पे देखोगे दैट इज एब्सोल्यूट, जहां पे डॉलर साइन नहीं होगा दैट इज रिलेटिव. क्लियर? और जहां पे आप फॉर्मूला में दोनों चीजें देखोगे दैट इज मिक्सड मोड. आप डी पार्ट की तरफ आ सकते हैं, यहां पे डॉलर वाला एक पार्ट है और प्लस के बाद यहां पे डॉलर के बगैर एक वाला पार्ट है. क्लियर? सो जो डॉलर, जहां पे डॉलर है दैट इज एब्सोल्यूट, और जो डॉलर के बगैर है दैट इज रिलेटिव. सो दिस रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट इज कॉल्ड मिक्सड मोड एड्रेसिंग, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एज वेल एज द रिलेटिव एड्रेसिंग. सो राइट आंसर इज पार्ट डी, जहां पे एक पार्ट एब्सोल्यूट है और दूसरा पार्ट रिलेटिव है. दिस इज कॉल्ड मिक्सड मोड एड्रेसिंग. Question number 99, which is very important one. Which protocol is used to assign the IP addresses dynamically? So in order to assign the IP addresses dynamically to the whole network, so the protocol, which is very important protocol that is used to allocate these addresses dynamically, is called DHCP protocol. That is called Dynamic Host Control Protocol. Dynamic Host Control Protocol. Question number 100. The size of IPv6 address is, so the size of IP address version 6 is 128 bits. क्योंकि हमारे पास दो versions होते हैं IP address के, एक V4 होता है, एक V6 होता है. IPv4 जो होता है that is always of 32 bits. IPv4 जो होता है वो 32 bits का होता है, और IPv6 जो होता है वो होता है 128 bits and not 64 bits, that's 128 bits. Clear? 128 bits, और IPv4 होता है 32 bits, और 32 bits को usually divide किया जाता है in 4 parts, and each part जो होता है, हर एक part जो होता है वो 8 bits का होता है, so 8 4 is 32. Clear? और IPv6 जो होता है इसको डिवाइड किया जाता है 8 पार्ट्स में. IPv4 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, IPv6 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट जो होता है
वो होता है 16 bits का, वो होता है 16 bits का. तो 16 into 8 इज 128 bits, ठीक है, 128 bits. तो IPv4 32 का होता है, IPv6 128 का होता है. IPv4 को 4 parts में डिवाइड करते हैं, IPv6 को हम 8 parts में डिवाइड करते हैं. हर एक पार्ट IPv4 का होता है 8 bits का, हर एक पार्ट IPv6 का होता है 16 bits का. क्लियर? और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द IPv4 एंड IPv6 इज दैट IPv4 इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल्स एंड IPv6 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल्स. IPv6 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल्स. क्लियर? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड पार्ट, द 100th क्वेश्चन. एंड इन फ्यूचर आई विल कम अप विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर्स. सो टिल नाउ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.